दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की भीड़ को देखते हुए हरियाणा रोडवेज से 1000 बसें मांगी गई थी। रात 2:30 बजे से ही बसें दिल्ली जाना शुरू हुई थी और सुबह तक भी चल रही थी बसें, लेकिन आज अब जब ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुए तो इनको ये कहा गया कि 1 बजे के बाद बसें बंद कर दी हैं। 75 बसें पानीपत डिपो से भेजी जानी थी जो खत्म हो गई है, अब बसें नहीं जाएंगी। लेकिन यहाँ अभी भी सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर हैं जिनको दिल्ली, गाजियाबाद और आगे जाना है। क्या बताया गया आपको? सर जी, हमको बताया गया है, हमारे को 75 बसें चलाने का ऑर्डर मिला था हरियाणा सरकार से, और 75 बसों का ऑर्डर खत्म हो चुका और इस समय बसें सर्विस बंद कर दी गई है और गाजियाबाद तक के लिए ही मुहैया कराई गई थी यहाँ तक के लिए, यही कहा गया था। मैंने खुद सुबह देखा बसें खाली जा रही थी। इनका ये कहना है कि बसें गाजियाबाद आनंद विहार से हम आगे ले जाएंगे, जबकि यहाँ अंदेशा था कि पीछे से लोग आ रहे थे। बसें सुबह खाली गई हैं, 75 बसें, लेकिन अब इनके पास बसें नहीं है जब लोगों को जाना है। ऐसा है, जो बसें वो बिठा रहे थे वो कंप्लीट बसें भर के नहीं जा रही थी और कुछ आधी सीटें खाली थी, आधी भर के लेके जा रहे थे क्योंकि वो जल्दबाजी में उसे चला रहे थे, इसलिए कुछ लोगों की जनसंख्या यहीं पर रह गई और कुछ लोग चले गए, इसलिए लोगों को भी यहाँ भीड़ लगी हुई है। पानीपत रोडवेज अधिकारियों की नाकामी बिल्कुल सामने आ रही है। इनका ये कहना है कि 75 बसें पानीपत से गाजियाबाद दिल्ली जानी थी जो आगे भर कर जाती, लेकिन 75 बसें आनंद फानंद में भेजी गई, सुबह खाली बसें गई, हमने खुद देखा। लेकिन अब जब सैकड़ों की तादाद में दिल्ली जाने वाले, गाजियाबाद जाने वाले प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए हैं, अब इनको जवाब दिया जा रहा है कि हमारे पास बसें नहीं, बड़े मतलब बचकाना सी बात नजर आ रही है। अब इन लोगों का क्या होगा, प्रशासन ध्यान दे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।